गुड इवनिंग अगेन टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। सो आज हम लोग डाउट्स डिस्कस करेंगे जो आपने डाउट दिया था। कितना डाउट है टोटल? 1 2 3 4 इधर 5 6 और अभी एक डाउट है 7। ओके सो 7 क्वेश्चन है। चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग खुद भी ट्राई मेरा लेके, हाँ आपका लेके साथ है। इस ये क्वेश्चन को करो सॉल्व, जल्दी 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 सॉल्व करना है, ठीक है? ये फर्स्ट डाउट है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। स्क्रीन शेयर नहीं किया क्यों? सॉरी सॉरी सॉरी। ये लो हो गया शेयर। हाँ कर दिया, शेयर कर दिया स्क्रीन। बनाओ अभी। आपको मैं हर एक डाउट में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही दूंगा, ठीक है? क्योंकि आपके साथ और भी थोड़ा थोड़ा बात डिस्कस करना है बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस अगेन। क्या रहा है आंसर आपका? सात आ रहे क्या आंसर? 7 आ रहे क्या? एनीवन हु इज गेटिंग 7 इज द आंसर। आप लोग एक एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए ना। किसी का आंसर आया क्या? क्या हो गया यार आप लोग? हाँ 7 आ रहा है ना, मेरा भी 7 ही आ रहा है। इसमें ऑप्शन गलत है सर, इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है।
ये मैन वीमेन बॉय, मैन को कितना दिन लगता है? 3 दिन। मैन को लगता है 3 दिन, वीमेन को कितना लगता है? 2 दिन, और बॉय को कितना लगता है? 6 दिन। ठीक है, ये टाइम हो गया। टाइम का एलसीएम लेके काम निकालेंगे, काम कितना होगा? 3, 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है ना, 3, 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो ये हो गया काम मेरा, वर्क। ठीक है, काम को टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालो, 6 को 3 से डिवाइड करके 2 आएगा मैन का एफिशिएंसी, 6 को 2 से डिवाइड करके 3 आएगा वीमेन का एफिशिएंसी, और 6 को 6 से डिवाइड करके 1 आएगा एक बच्चा बॉय का एफिशिएंसी। करेक्ट, ओके। अभी क्या बोला, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेयर रिक्वायर्ड? एक आदमी है और एक औरत है टू कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ डे, आधा दिन में करना है काम। देखो, अगर आपको ये 6 यूनिट का काम अगर एक दिन में करना है, तब आपको एफिशिएंसी 6 ही चाहिए। अगर आप 6 का एफिशिएंसी लगा सकते हो तो एक दिन में काम हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको काम आधा दिन में करना है, मतलब आपका एफिशिएंसी 6 नहीं 12 होना चाहिए। ठीक है, आपका एफिशिएंसी अगर डबल हो जाएगा तो आपको एक दिन भी नहीं लगेगा काम करने के लिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो टाइम क्या होता है, टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी। करेक्ट, तो टाइम कितना चाहिए? हाफ डे, हाफ। वर्क कितना है? 6। वर्क है 6, तो एफिशिएंसी कितना होगा? 1 का अगर 6 है तो 2 का 12 होगा, एफिशिएंसी 12 होगा ना। ठीक है, तो इस 12 आपको एफिशिएंसी चाहिए, और टोटल मतलब यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेयर रिक्वायर्ड विथ 1 मैन एंड 1 वीमेन? एक मैन का एफिशिएंसी कितना है? एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है, 1 मैन का एफिशिएंसी। एक वीमेन का कितना है? 1 वीमेन का कितना है? 3 है, तो मैन और वीमेन में तो 5 हो गया एफिशिएंसी। आपको चाहिए 7, 12 चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा और 7 एफिशिएंसी चाहिए। 7 एफिशिएंसी कितने चिल्ड्रन लाएंगे? ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन? एक बॉय का एफिशिएंसी, ओके, एक बॉय का एफिशिएंसी 1 है, तो आपको एफिशिएंसी कितना चाहिए? 7। कितने लड़के चाहिए आपको? 7 लड़के चाहिए, 7। ठीक है, सो हाउ मेनी चिल्ड्रन? इसका आंसर 7 होगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, इसका आंसर 7 होगा। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? सबको समझ में आ रही है? आ गया ना? व्हाट अबाउट यस अदर पार्ट? सर। आ गया ना? संतोष अरमान सत्यम, आप लोगों को समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? राज आ गया ना? चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला करो, बताइए किसी का आंसर है? अरे तीन सौ, 320, 20, 3,
इसका आंसर कितना आएगा पता है? 320, 20 का प्रॉफिट हो रहा है 300 में, तो 2 का 30 में, 1 का 15 में, 1 का 15 में मतलब 6, 2/3% होगा इसका आंसर, ये होगा। देखो तो किसी का आ रहा है कि ऐसा। नहीं आ रहा है, देखो कुछ नहीं है यार, इसको दिमाग में कर सकते। देखो, ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 25%। अभी तो टाइम हो गया ना, नाउ आई कैन सॉल्व, आई कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कर लिया इसको ब्रेन में। देखो, ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 25%। 25, 25 यहाँ पे 2-3% है ना। सेफ साइड क्या है ना, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, कॉस्ट प्राइस को 100 मानो, तब इजी होगा। आप 5:4 करोगे, वो सब में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप पहले रेशियो लोगे, फिर सेकंड केस में आपको फिर से रेशियो को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर पहले आप रेशियो से स्टार्ट करोगे ना, देन सेकंड अप्रोच में आपको फिर रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा, सो उसमें ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा। तो इससे काम करो, सीपी को 100 ले लो। पहले क्या हुआ, 25% लॉस में बेचा, तो कितना सेलिंग प्राइस में बेचा होगा? देखो, सामान का कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हो सकता है, सेलिंग प्राइस अलग अलग चेंज होगा, तो अलग अलग प्रॉफिट या फिर जो भी है लॉस जो भी होगा। तो 25% लॉस में बेचा मतलब 75 में बेचा होगा ना इसको, 75 में बेचा होगा, करेक्ट? ओके, फिर क्या बोल रहा है, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर उस सामान को, सीपी डैश लिख देता हूँ, अगर उस सामान को वो 20% कम में खरीदता, मतलब अगर 100 में नहीं खरीद के अगर वो 80 में खरीदता, 80 में, एंड सोल्ड इट फॉर 63 मोर, ही वुड हैव गेन 20%। ठीक है, अगर वो 80 में खरीद के 63 ज्यादा में बेचता, 63 ज्यादा, इफ ही वुड हैव सोल्ड इट फॉर 63 मोर, मोर मतलब जितना में बेचा था उससे 63 ज्यादा में बेचता, तो उसको प्रॉफिट कितना होता, 20%। 80 का खरीदा, 80 का खरीदा, तो 20% प्रॉफिट होने से सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर आप लोग बताओ मुझे, अगर 80 का खरीदा है और 20% प्रॉफिट कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 96 होगा ना, वेरी गुड, 96 होगा, करेक्ट? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, बट उसको कब होता, अगर वो 63 ज्यादा में सेल करता, इफ यू हैव सोल्ड इट फॉर 63 मोर। अभी कितना में सेल किया, 75 में, बाद में कितना में सेल किया, 96 में। डिफरेंस देखो दोनों का, 96 - 75 करके देखो कितना आता है, कितना आएगा, देखो 21 यूनिट्स, 21 यूनिट्स का वैल्यू है 63 रुपीज। ठीक है, तो उस हिसाब से एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 रुपीज होगा, 3 रुपए, करेक्ट? एक एक यूनिट अगर 3 रुपए का होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक यूनिट का 3 है, तो 100 यूनिट का कितना होगा, 100 - 3 300 होगा, करेक्ट? आपको क्या पूछा, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, अगर उसने 320 में बेचा, उसका कॉस्ट प्राइस था 300, बेचा है 320 में, कितना प्रॉफिट होगा, 20 का प्रॉफिट होगा, 20 का प्रॉफिट होगा कितने में, 300 में, मतलब 2/30, 2/30 मतलब 1/15, 1/15 का फ्रैक्शन क्या होता है, 6 2/3% होता है ना, वो आया समझ में? देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अंडरस्टूड सर, हम रेशियो लेकर कर रहे थे। हाँ, मैंने भी रेशियो लेके ही किया ना। ओ अच्छा, आप 5 वगैरह लेके कर रहे थे, कर सकते हैं, कर सकते हैं, 5 वगैरह लेके भी कर सकते हैं यार, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, बस वैसे भी कर सकते हैं, से कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है क्या? देखो तो, एनीवन हु हैज एनी डाउट, कोई भी जगह पे डाउट है पूछ लो। आपको तो नहीं है, बाकी लोगों को है क्या? नो सर। नहीं है ना, समझ में आ गया ना, इसको कैसे बैलेंस किया ये सब। आप लोग जनरली एक्स लेके करोगे, मतलब जो जैसे भी करो सेम चीज है, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखो मैथमेटिक्स में ना, मैथ्स में मेन चीज रेशियो है, मेन, उससे बड़ा चीज कुछ भी नहीं है। अगर आपको रेशियो बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो आप तो कोई भी एग्जाम निकाल दोगे मैथ्स में,
ठीक है, रेशियो से ज्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए रिपीटेडली आई विल टेल कि व्हेनेवर वी स्टार्ट न्यू क्लासेस ऑल्सो, आप सिर्फ रेशियो पे ध्यान दीजिए, जितना हो सकता है रेशियो सीखिए। रेशियो अगर क्लियर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस तो कुछ भी नहीं, हलवा है, एकदम हलवा है, ठीक है। बट इफ रेशियो इज क्लियर देन इट विल बी इजियर, ठीक है। और डाउट तो नहीं है ना किसी को? प्रियंका, फिर सत्यम, एनीवन, राज, किसी को डाउट है क्या? सेकंड, डाउट डाउट है, आप लोग पहले नहीं बोलते, बोलो तो यार। देखो सेकंड सीपीएन एसपी, ये वाला कौन सा, ये वाला चाहिए क्या, ये सीपी डैश और एसपी डैश, ये वाला? देखो अच्छा, पहले पहले देखो, पर्सन ब्रॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 25, ये तो समझ में आ गया, 100 में खरीदा, 25 कम मतलब 75 में बेचा होगा। फिर क्या बोला, इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर वो कॉस्ट प्राइस 100 नहीं देके 20% कम में खरीदता, मतलब अगर वो 80 में खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर 63 मोर, 63 मोर किसके कंपैरिजन में? आप जब देखोगे कि सोल्ड इट फॉर, आप जब देखोगे कि सोल्ड इट फॉर 63 मोर किसके कंपैरिजन में, मोर पहले जितने में बेचा था उससे ज्यादा बोल रहे, ठीक है। और गेन कितना होता, 20%, 80 में खरीदा, 20% गेन होगा तो कितने में बेचेगा, 96 में बेचेगा, ठीक है। और बोल रहे हैं कि 63 ज्यादा में बेचा, तो पहले ही तो 75 में बेचा था, अभी 96 में बेचा, इसका मतलब इन दोनों का जो गैप है दैट इज 21 यूनिट्स, इसका वैल्यू 63 रुपीज है। इज इट क्लियर? आप अभी सोचोगे कि तो फिर यहाँ पे एक यूनिट लेके, यहाँ पे एक यूनिट लेके इसको यहाँ पे क्यों नहीं डाला, ठीक है, इसको ये जो तीन था उसको यहाँ पे क्यों नहीं डाला, ऐसा मत सोचो, पूरा रेशियो कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने तो 80 लिया ना यहाँ पे, फिर उससे ही बढ़ाया, तो हर एक चीज कनेक्टेड है, ठीक है। ज्यादा मत सोचना नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ये तो क्या है, इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस गिवन ही है, करो आप लोग करो सॉल्व, बताओ क्या रिलेशन होगा। मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो मैं थोड़े दिन में क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम उतना भी इजी नहीं है। बिना लिंक के ऑप्शन नहीं आ रही क्या? ठीक है, देखते हैं। देखो 4 साल पहले रेशियो था कितना, 3:2, ये 4 साल पहले का बात है, ठीक है। इट इज, दिस इज बिफोर 4 इयर्स, बिफोर 4 इयर्स इसका रेशियो एम और एन का कितना था, 3:2, ये 4 साल पहले का बात है, अभी का नहीं, ठीक है।
ये 4 साल पहले का बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये अभी का बात नहीं है। क्वांटिटी वन क्या गिवन? अच्छा और एक चीज गिवन है, एल और एम का जो गैप है वो 12 साल का है, ठीक है, बट इससे हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, तो इसको बस दिमाग में रख दो। एल और एम का जो गैप है वो 12 साल का है। तो अभी क्वांटिटी वन क्या पूछा है, देखो द एज ऑफ एल, एल का एज, एज ऑफ एल इफ द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ एम एन एन इज 7:5। गुड इवनिंग उपासना। अच्छा देखो एज ऑफ एल इफ द, यार ये तो बहुत इजी है, बिफोर 4 इयर्स का रेशियो गिवन है और प्रेजेंट एज का भी रेशियो गिवन है, प्रेजेंट का भी तो रेशियो गिवन है ना, एम इज 12, ये 7:5 है ना, एम और एन का ही तो गिवन है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एजेस में क्या होता है कि दो इंसान का जो एज होता है ना, दो इंसान का जितना भी एज होगा उसका जो गैप होगा वो हमेशा सेम रहता है। जैसे आपका और मेरा अभी एज, अभी जैसे आपका और मेरा एज है, तो हम दोनों के बीच में सपोज एज गैप 2 साल का है, ठीक है, तो आगे आगे जाके भी हम दोनों के बीच में जो एज गैप है वो हमेशा 2 साल ही रहेगा। हम दोनों के बीच में अगर आज गैप 2 साल का है ना, तो 10 साल बाद भी दोनों का गैप 2 साल का ही रहेगा, तो गैप को सेम करना है। यहाँ पे देखो गैप कितना है, 3 और 2 में गैप कितना है, 1 यूनिट का। यहाँ पे देखो 7 और 5 में गैप कितना है, 2 यूनिट का। सेम बनाओ, कैसे सेम बनाएंगे, इस 1 को 2 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चेंज हो जाएगा 3:2, ये बन जाएगा 6 और ये 2 बन जाएगा 4, 6:4 बन जाएगा, करेक्ट। अभी क्या है, अभी रेशियो इजीली कनेक्ट हो चुका है क्योंकि हमने गैप को सेम कर दिया, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, देखो 6 से 7 तक जब जा रहा है, एम का एज जो 6 से 7 हो रहा है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट, बट एक्चुअली में कितना इयर्स जा रहा है, कितना, ये 4 साल पहले का बात है ना, 4 साल पहले से लेके अभी तक, 4 साल पहले से लेके अभी तक कितना इयर्स हुआ, 4 इयर्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 4 इयर्स, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों में से किसी भी रेशियो में 4 पुट कर दो तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट अगर 4 है तो 7 यूनिट कितना होगा, 7 × 4 28, और 5 यूनिट कितना होगा, 5 × 4 5 × 4 20, करेक्ट। आपको क्या पूछा है, एज ऑफ एल, ओके आपने क्या निकाला है, एल एल का एज कितना होगा बताओ, तो सिर्फ अगर हम लोग क्वांटिटी वन को देखें, 40 कैसे होगा, श्योर नहीं बोल सकते ना। एम का जो एज है क्वांटिटी वन के हिसाब से, एम का एज कितना है, एम का एज है 28, एल और एम में गैप 12 साल का है, कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है वो थोड़ी बोला है ना। हाँ 40 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 16 नहीं यार, हाँ 16 सही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से एम कितना है, 28, तो एल जो होगा वो 12 साल बड़ा भी हो सकता है और 12 साल छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन आएगा। क्वांटिटी टू को देखिए, द एज ऑफ एल इज द एवरेज ऑफ एल एम एंड एन इज 24, एल एम और एन का एवरेज गिवन है, मतलब एल प्लस एम प्लस एन बाई 3 ये कितना है, 24, तो इन तीनों का सम कितना होगा, एल प्लस एम प्लस एन कितना होगा, 72 होगा ना, है ना, ठीक है। तो और एक चीज बोला था, एल और एम में जो गैप है वो 12 साल का है और एम और एन का रेशियो 4 इयर्स एगो ये था 3:2, मतलब एम और एन का जो रेशियो है वो 3:2 था, कब कब था, कब था, 4 साल पहले, 4 इयर्स एगो, ठीक है। तो पुट कर दो इसको, एक्स लेके सॉल्व करने से ज्यादा इजी होगा आई थिंक, एक्स तो लेना ही पड़ेगा, मतलब अगर आपने एम का एज 3x लिया और एन का 2x लिया, तो ये 4 साल पहले का होगा, तो अभी का क्या होगा, अभी का चार 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 साल ऐड हो जाएगा ना, ये इसमें 4 साल ऐड हो गया, इसमें भी 4 साल ऐड हो गया, इसमें ये डालो और एल को आप एक बार एम ये बोला है ना, इसमें गैप 12 साल, तो एक बार एल को एक बार आप 12 माइनस एम डाल लो और एक बार आप m-12 डाल दो, उसी सब से सॉल्व करके देखो तो क्या आता है, दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा।
दोनों में कौन बड़ा है वो नहीं बोला है क्वेश्चन में। ट्राई करो जल्दी करो। क्वेश्चन देखना है क्या? ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये चीज तो गिवन है ना, एम और एन का एज का रेशियो 3x और 2x तो गिवन है, ठीक है, 4 साल पहले। तो अभी क्या होगा, 3x+4 और 2x+4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं एम का जो एज है उसको 3x+4 ले सकता हूँ और जो एन का एज है उसको मैं 2x+4 ले सकता हूँ, करेक्ट। और L का जो एज है, L का एज दो तरीके से होगा। देखो आपको पता है कि L और M में जो गैप है वो 12 साल का है, मतलब L माइनस M या तो 12 है या तो M माइनस L 12 है, ये दो केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो आप या तो L को आप ले लो, L को या तो ले लो आप 12+M, 12+M ले लो, प्लस M को कितना लोगे, 3x+4 प्लस 2x+4 बराबर 72, ठीक है। और यहाँ पे 12 प्लस ये फिर एम को डाल दो यहां से, 3x+4, 3x 3x, 8x हो जाएगा, 4 4 4 12 हो जाएगा, ये होगा 72, ठीक है। सो 8x, x आ जाएगा 6, x का वैल्यू आएगा 6, ठीक है। तो 6 जैसे ही आ जाएगा फिर आप यहाँ पे एजेस निकाल सकते हैं ना, आप एम का एज निकाल लो, एम का एज निकाल लो कितना आएगा, एक्स अगर 6 है तो एम 22 साल का होगा और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से एल कितना होगा, 34 इयर्स का हो जाएगा, ठीक है। और एम का तो एज हमेशा कांस्टेंट है, एम का एज तो चेंज नहीं होगा। एम अगर 22 साल का है तो एल या तो 34 का हो सकता है या फिर उससे 12 साल छोटा, मतलब 22, सॉरी 12 साल बड़ा, मतलब 46 का हो सकता है। तो एल का एज यहाँ पे 2 आएगा, 34 और 46, तो एल का एज यहाँ पे 34 आएगा और 46 आएगा। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो यस और नो? टेल मी, यस सर। आ गया ना? तो उस हिसाब से आप देखिए लगा के, फिर तो हो जाएगा ना, यहाँ पे एल का 2 वैल्यू आ रहा है ना, एक 40 और इधर 34, तो यहाँ पे एल इससे बड़ा है बट ये 46 इससे बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आ गया ना समझ में, किसी को डाउट है क्या, बोलो तो। कुछ नहीं किया यार, एजेस का क्वेश्चन भी किया है, सिर्फ प्लस माइनस ही तो रहता है उसमें, सिर्फ एक वेरिएबल डाल के उसको सॉल्व भी किया है। किसी को कहीं पे भी डाउट है एक बार पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। नो सर। व्हाट अबाउट अदर्स, सेकंड वाला रिपीट नहीं हो गया था, सेकंड वाला सर एक बार सेकंड दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। हाँ करता हूँ, लास्ट वाला, लास्ट वाला मतलब ये वाला ना, एवरेज वाला ना, एवरेज वाला रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देख लो, एल एम और एन का एवरेज 24 है। देखो जो एल का, एम का और एन का जो एवरेज है, देखो ये 24 है, एल एम और एन का जो एवरेज है वो 24 है, तो सम कितना होगा, सम होगा 72, 72 होगा ना सम, करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, और क्या क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में एल और एम का गैप है 12 साल का गैप है, मतलब एल और एम में जो गैप है ना वो 12 साल का है। तो हो सकता है कि एल एम से बड़ा है, बट ये भी हो सकता है कि एम एल से बड़ा है, तो दोनों
दोनों में से दोनों केस आपको कंसीडर करना पड़ेगा ना, करेक्ट? ठीक है। और क्या गिवन था क्वेश्चन में? 4 साल पहले जो रेशियो था वो 3:2 था, 4 साल पहले था 3:2, मतलब 4 साल पहले, 4 years ago, जो रेशियो था एम और किसके बीच में, एन के बीच में, वो 3x और 2x था, मतलब इनका एज। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा 3x प्लस 4 और इधर 2x प्लस 4 होगा। ये m का वैल्यू रखो यहाँ पे, n का वैल्यू ये रखो यहाँ पे, और l का जो वैल्यू है ना, l का वैल्यू आप m दोनों में से कोई एक रख दो, आप एक काम करो दोनों में से कोई एक रख दो, मतलब आपको l को m के टर्म्स में लिखना है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको m का वैल्यू पता है ना, तो आप वैसे ही लिखोगे। ठीक है, मतलब l प्लस m के जगह में मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 4 प्लस, और n के जगह में मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 4। ये तीनों का सम कितना है? 72। और जो l है, l के जगह में मैं क्या लिखूंगा पता है? l के जगह में मैं लिखूंगा यहां से ऊपर वाला लिख दो, देखो l क्या हो जाएगा, m प्लस 12 प्लस m, तो उस m को फिर यहां से लिख दो ना x का, वही तो मैं बोल रहा था। तो उस तरह से सॉल्व करने से आपका x का वैल्यू 6 आएगा। x अगर 6 आ जाता है तो आप m का प्रेजेंट एज निकाल लोगे, m का प्रेजेंट एज कितना होगा, 3 × 6 प्लस 4 22 होगा। m का अगर एज आ जाता है तो आप l का भी निकाल लोगे ना, आया अभी समझ में? प्रैक्टिस कर लेना खुद आंसर, मैंने समझा तो दिया, बाकी सॉल्यूशन फाइनल तक खुद आप लोग देख लेना, आ गया ना? ठीक है चलो। एनीवन, अभी अभी भी किसी को डाउट है क्या? अगर अभी भी आपको डाउट है तो आपको बेसिक से पढ़ने का जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन बाद में करना, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। एवरेज, एवरेज का जो, अच्छा करो आप लोग, मैं भी ट्राई करता हूँ इसको। और इसका आंसर करो, एक 65 years का आदमी आने से एवरेज बढ़ जाता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना? है कि नहीं? अगर एक 65 years का आदमी ने एक 20 साल का आदमी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, बढ़ेगा, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि बढ़ेगा, लेकिन अभी यहां पे बढ़ा तो है। एवरेज अगर बढ़ा है, इसका मतलब जो 65 years वाला आदमी है ना,
उसका जो एज है वो एवरेज से ज्यादा है। जो 65 वाला जो आदमी है उसका जो एज है मतलब 65 ईयर्स वो एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, करो इसको ट्राई करो, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करो। दिमाग लगाओ, आंसर निकल जाएगा। देखो मैं इसको एक तो इसको आप नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल लोग कितने हैं? N+8। ठीक है, टोटल लोग हैं N+8, करेक्ट? ओके, तो N+8 लोगों का जो एवरेज है ना, मतलब लेट आप इमेजिन कर लो कि जो एवरेज है वो A है सपोज। ठीक है, जो एवरेज है N+8 लोगों का जो एवरेज है वो A है सपोज, करेक्ट? ओके, तो N+8 लोगों का अगर एवरेज A है तो टोटल की टोटल एज कितना होगा? टोटल एज होगा N+8 मल्टीप्लाइड बाई ये, यही होगा, करेक्ट? तो सही है ना, N+8 मल्टीप्लाइड बाई ये, यही टोटल होगा। मतलब ये पहले टोटल था, ठीक है, N+8 लोग है, एवरेज था A, ठीक है। बट यहां पे क्या हुआ, पहले ये टोटल था, मतलब N+8 लोग थे उनका एवरेज था A। फिर क्या हुआ कि 20 साल का एक आदमी निकल गया, तो उसका एज माइनस कर दो 20, और एक 65 ईयर्स का आदमी आ गया, 65 ईयर्स का आदमी आ गया, उसका एज प्लस कर दिया। अभी जो सम हुआ वो कितना होगा पता है? एवरेज कितना से बढ़ा? 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मतलब कितना होता है? 1.5 ईयर्स। ठीक है, 1.5 साल होता है ना, 18 महीना 1.5 साल। तो अभी एवरेज कितना हुआ पता है? अभी एवरेज इंक्रीज हो गया 1.5 से, मतलब पहले एवरेज ये था, अभी एवरेज हुआ A+1.5। अगर एवरेज ये है तो टोटल कितना होगा? टोटल लोग तो फिर भी सेम है, N+8 ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से निकलेगा क्या आंसर? निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना, निकालो ए, ए का वैल्यू निकालो, तो ए का वैल्यू कितना आएगा? ए या फिर एन, उस किसी चीज का तो वैल्यू आएगा ना। रुको मैं भी ट्राई करता हूँ, देखो N A+8A ये इधर कितना होगा? +45 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, NA+8A+1.5N प्लस 1.5 × 8 कितना होगा? 12। ठीक है, तो ये NA कैंसिल हो जाएगा, AT AT कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5N का वैल्यू कितना होगा? 33। ये 12 को मैं उधर लेके चला गया, उस हिसाब से N का वैल्यू कितना होगा? 22। ठीक है, N का वैल्यू 22 आया, समझ में? ये मेथड तो समझ में आया होगा ना, इसमें तो बच्चा वाला मेथड है, ये तो सबको पता है। गया ना, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। ये यहाँ पे ये पहले टोटल टोटल एज था, ये पहले का टोटल एज था। टोटल क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ही तो टोटल होता है ना, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ही तो टोटल होता है ना। तो एवरेज पहले कितना था? पहले आपका टोटल N+, क्या बोलूं, लोग N+8 थे, एवरेज ये था, तो टोटल इतना था। बट उसमें चेंजेस हुआ ना कि 20 साल का आदमी बाहर चला गया, 20 साल का आदमी बाहर चला गया और 65 ईयर्स का आदमी आ गया। ठीक है, उसके वजह से टोटल कितना हो गया? इज इक्वल टू टोटल कितना है? देखो एवरेज इंक्रीज हुआ A+1.5, और लोग तो सेम है, N N × 8 वही किया, उसको सॉल्व करके N 22 आ गया। अभी आया कि नहीं देखो, तो यस, ये जिसका डाउट था उसको समझ में आया? किसका डाउट था ये? यस सर, हो गया ना, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन वहां मुझे दूसरा सोल्यूशन भी समझ में आ रहा है इसका। बट लेट मी सी, इसको पहले बंद कर देते, इसको इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर आपको ये सोल्यूशन आप लिख लो, नहीं तो ठीक है, एक बार लिख लो ये सोल्यूशन, लिख लो, फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ।
हो गया ना? ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ये वाला मेथड, लेकिन लेट सी देखो। एन प्लस एट लोग थे, पहले एन प्लस एट लोग थे, देयर वर एन प्लस एट पीपल, ठीक है, और उनका एवरेज कितना से इंक्रीज हुआ? 1.5 साल से। एवरेज अगर 1.5 साल से इंक्रीज होगा तो सम कितना इंक्रीज होगा? ये समझ में आता है आपको? डेविएशन वाला ये वाला एक लॉजिक है, मतलब अभी तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है क्लास में। देखो एवरेज एवरेज जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 1.5 मंथ से, ईयर से एवरेज इतना इंक्रीज हो रहा है। एवरेज अगर इतना इंक्रीज होता है ना तो सम कितना इंक्रीज होगा पता है? सम इतना इंक्रीज होगा, 1.5 × n+8, दिस इज द इंक्रीज इन सम। ये इंक्रीज है सम में, इंक्रीज, ठीक है, बट एक्चुअली में सम कितना इंक्रीज हुआ? एक अगर 65 ईयर्स का आदमी आ जाएगा 20 ईयर्स के जगह में, तो सम कितना इंक्रीज होगा? सम होगा 65 − 20, इतना इंक्रीज होगा। तो ये 1.5 × n+8 बराबर 45, इसको सॉल्व कर दो, 3/2 15 30, n इज इक्वल टू 22, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते ये ज्यादा अच्छा लगा सर। हैं। समझ में, ये समझ में आया? हाँ सर। ये जिसको एवरेज समझ में आ जाता है ना, उसको सब समझ में आ जाता है, और उसके लिए मैथ्स तो फिर पानी हो जाता है, बट एवरेज समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये चीज मैं अभी लेके नहीं बैठूंगा, ठीक है सर, रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा। रिवाइज मतलब क्या है ना, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, देखो आपका एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है, 1.5 ईयर से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। एवरेज जितना से भी इंक्रीज होगा, सम कितना से इंक्रीज होगा, ये कैसे समझ रहे हैं पता है? एवरेज का मतलब क्या है पता है? सपोज यार ये चीज मैं अभी समझाने जाऊंगा तो फिर टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, मैं बाद में समझा दूंगा। हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, डोंट वरी, और एक 1.5 महीने में ही एवरेज का क्लास फिर से होगा, ठीक है, तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, 3 क्लास लेके एवरेज आराम से समझेंगे, तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। और मैं मैथ्स का क्लास जो है 2-2 घंटे करूंगा, ठीक है, सो आप लोग माइंड करो नहीं करो, क्योंकि उपाय नहीं है यार, 1 घंटे में आपने देखा लास्ट टाइम क्या हुआ, आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं होता है। सो एटलीस्ट 1.5 आवर्स तो मुझे चाहिए एक क्लास के लिए, ठीक है, उस हिसाब से भी करेंगे तो मैं 3 क्लास में कंप्लीट करा सकता हूँ एवरेज, नहीं तो अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस इज द थिंग सर, मेंस लेवल। हाँ, मेंस वो पूरा एक साथ ही होगा, पूरा टॉपिक समझेंगे, फिर प्रीलिम्स मेंस को अलग अलग करके करना है, पहले तो टॉपिक समझना है क्या है टॉपिक, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो अभी, यार बहुत सारे क्वेश्चन है। एक काम करो आप लोग, ये किसका डाउट था, ये वाला क्वेश्चन किसका डाउट था? ठीक मेरा है, मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। देखो राहुल, ओम एंड फिरोज टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन गिवन नहीं है, व्हाइल ओम इज 40% लेस एफिशिएंट देन फिरोज। मतलब ओम और फिरोज का अगर मैं एफिशिएंसी देखू ना, तो ओम 40% कम है, 40% मतलब 2/5, मतलब अगर फिरोज 5 है तो ओम उससे 2 कम है, ठीक है, ओम उससे कितना कम है, 2 कम है, मतलब 3 है। एंड राहुल इज 50% मोर एफिशिएंट देन हरिता, राहुल और हरिता 50% मतलब आधा, ठीक है, तो राहुल ज्यादा एफिशिएंट है हरिता से, मतलब अगर हरिता का एफिशिएंसी 2 है तो राहुल का उससे 1 ज्यादा है, मतलब 3 है। अभी तक तो इतना ही बोला है, हरिता फिरोज ये भी गिवन नहीं है, फिरोज इज 20% मोर एफिशिएंट देन हरिता एंड ओम कैन कंप्लीट द वर्क इन 50 डेज। आपको क्या पूछा है ओम? अरे यार ये तो निकल जाएगा ना, देखो ओम का टाइम गिवन है, ओम का टाइम गिवन है ना, और ओम का एफिशिएंसी भी गिवन है, तो ओम का एफिशिएंसी और टाइम टाइम लेके आप वर्क निकाल लो, यू फाइंड द वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो एफिशिएंसी क्या है ओम का? 3 है ना, और टाइम कितना लग रहा है उसको? 50 दिन, तो काम कितना होगा? 150 काम होगा, करेक्ट, 150 काम हो गया आपका। और किसको किसको करवाना है? राहुल, ओम और फिरोज को, तो राहुल का एफिशिएंसी 3, ओम का 3 और फिरोज का 5, कितना दिन लगेगा? वर्क बाय एफिशिएंसी, 3 3 5 कितना होता है? 11, तो 15, 150 by 11, 150 by 11 को अगर आप उसमें ले जाओगे तो
इलेवन इलेवन जा 121 होता है ना, 12 जा 132, 13 सेवन बाई इलेवन ये आएगा आंसर। आंसर आंसर क्या है इसका, ये नहीं है 39 नहीं है क्या इसका, क्या आंसर है सर चेक करना पड़ेगा, जल्दी करो, अभी अभी कर सकते हैं क्या चेक सर, तो मिनट। हाँ ठीक है, नहीं 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 इसमें गड़बड़ नहीं, नहीं ठीक है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन कितना है, बी कौन सा, आ रहा है मतलब मेरा करेक्ट है कि रॉन्ग है वो बताओ, रॉन्ग आ रहा है क्या, हाँ हाँ रॉन्ग आ रहा है क्या, ओके तब तो कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, 50% ओम इज 40% कुछ गड़बड़ किया गया, टुगेदर कैन प्लीज फॉर की नेडेस व्हाइल ओम इज 40% लेस एफिशिएंट देन फिरोज, दोनों रेशियो अलग अलग है ना, ओम एंड फिरोज और जो बाकी दोनों का रेशियो अलग अलग है ना। हाँ लेकिन रेशियो अलग अलग है, हाँ वो बात तो सही है, वही मैं भी वही सोच रहा था, एक मिनट, हाँ फिरोज एंड राहुल इज 50% मोर एफिशिएंट देन हरिता, सही है हरिता, फिरोज एंड राहुल कैन कंप्लीट ए वर्क इन बी डेज, नहीं चाहिए फिरोज इज 20% मोर एफिशिएंट देन हरिता, अच्छा ये वाला भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, अरे सॉरी सॉरी लास्ट वाला सेंटेंस तो देखा ही नहीं ना, ये वाला सेंटेंस भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, ये वाला सेंटेंस तो, ये वाला देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है ना, फिरोज इज 20% मोर एफिशिएंट देन हरिता, ठीक है तो फिरोज और हरिता, हरिता का भी तो निकलेगा ना एफिशिएंसी, तो फिर अलग अलग हो जाएगा तो उसको सेम भी तो करना पड़ेगा, वहां पे गलती हुआ, ठीक है सो फिरोज और हरिता क्या है, फिरोज इज 20%, 20% मतलब 1/5, तो फिरोज ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब हरिता का अगर 5 है तो फिरोज का 6 होगा, ठीक है फिरोज का देखो यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है और हरिता का यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, तो पहले तो सारा एफिशिएंसी को सेम करना पड़ेगा, ठीक है 2 और 5 को कैसे सेम करेंगे, 10 बना दो इसको, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो, तो ये हो जाएगा 15:10, और ये 5 को 10 बनाने के लिए 2 से कर दो, इधर भी 2 से कर दो, तो ये हो जाएगा 12:10, ठीक है अभी क्या होगा, और किसका, किसी का अलग है क्या, फिरोज का, फिरोज का यहाँ पे 12 है यहाँ पे 5 है, तो 12 और 5 को करने के लिए फिर सेम बनाना पड़ेगा, मतलब ओम और फिरोज का जो है वो 3:5 है बट यहाँ पे फिरोज का 12 है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, तो ओम का 36 और फिरोज का 50, और सॉरी 50 नहीं 60, ठीक है और फिर यहाँ पे भी 5 से करो, तो यहाँ पे भी 5 से करो, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 50, आपको क्या पूछा है अभी, ओम कैन कंप्लीट इन 50 डेज, ओम का एफिशिएंसी कितना है 36, ठीक है अभी हम लोग ले सकते हैं, अभी जो है वही ले लो क्योंकि सारा मैच हो चुका है ऑलरेडी, यार अभी कौन आ रहा है क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है तो सारा ऑलरेडी मैच हो चुका है, सो फिरोज का भी देखो यहाँ पे 60 है यहाँ पे भी 60 है फिरोज का, ओम का 36 है, ओम का यहाँ पे 15 है, क्या हो रहा है ये, अच्छा इसी से ये आया था ना, सॉरी सॉरी ये तो गया, ये नहीं चाहिए, ओम का 36 है फिरोज का 60 है, ठीक है और हर्ष ये एच वाला का कितना है, एच वाला का अल्टीमेटली 50 आया, 5 यार मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, देखो तो कहाँ पे गलती हो रहा है, देखो तो कुछ तो रेशियो क्लबिंग में गड़बड़ हो रहा है, आर और एच का रेशियो कितना है 15:10 है ना, बट यहाँ पे एच कितना है, यहाँ पे एच 50 है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 5 से होगा, तो ये 75 होगा और ये 50 होगा, अभी अभी सही है क्या, आर हो गया 75, इसको मिटा देता हूँ, आर हो गया 75 और एच हो गया 50, एच इधर भी 50, एफ हो गया 60 60 और ओ हो गया इतना, ओके फिर हम लोग, फिर देखो ओम कैन कंप्लीट इन 50 डेज, तो ओम का एफिशिएंसी कितना है 36, मतलब आपका जो वर्क होगा वो होगा 36 इनटू 50, आपको किस किस कितने लोगों से कराना है, राहुल ओम और फिरोज, राहुल का एफिशिएंसी कितना है,
राहुल का एफिशिएंसी है 75, ओम का, देखो आप लोग मुझे गलत होने से बोल देना, मैं ये चीज शायद कुछ तो गड़बड़ किया है, ओम का 36 और फिरोज का कितना है, फिरोज का कितना है 60, तीनों को ऐड करेंगे तो 96 और 4 99 और 100, 96 और ये 96 और 400 171, तो आंसर जो आंसर होगा मतलब टाइम जो होगा दैट इज वर्क 36 इनटू 50 अपॉन 171, ये आ रहा है, तो गड़बड़ है यार इसमें, गड़बड़े आंसर क्या है इसमें, आंसर क्या है, डी है कि डी है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है क्या, आधा 36 का आधा होगा 1800, इसको डिवाइड करके देखो तो क्या आ रहा है, इसको डिवाइड करके देखो, सिक्सटी वन कह रहा है सर, 61 कैसे आएगा यार, 171 इनटू 10 तो 1710 होता है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 10 हाँ तो ये हाँ 10 कह रहा हूँ, 10 10 10 कह रहा हूँ, 10 आएगा और बाकी बचेगा कितना, 90 10 90 10 19 ये याद है, सही है, ठीक है तो रही आ रहा। हाँ ठीक है। एक बार फिर से कंफ्यूज हो गया। फिर से समझाने के लिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, देखो 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 कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ क्लब करना है रेशियो को और कुछ भी नहीं है, ये देखो ये यहाँ पे क्या है ना, ये मैं आंसर नहीं समझाऊंगा ठीक है, लास्ट आप सॉल्यूशन खुद देख लेना, बस ये वाला देखो, देखो ओम इज 40% लेस एफिशिएंट देन फिरोज, मतलब ओम और फिरोज का जो एफिशिएंसी है 40% मतलब 2/5, तो इसका 5 होगा तो इसका 3 होगा ठीक है, और राहुल इज 50% मोर एफिशिएंट देन हरिता, राहुल हरिता से 50% मतलब आधा आधा एफिशिएंट आधा एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब हरिता का अगर 2 है, कहां गया यार, अरे यार फिर प्रॉब्लम हो गया, एंड फिरोज एंड राहुल, राहुल इज अच्छा 50% देन हरिता, तो राहुल का कितना होगा, 3 होगा ठीक है, फिरोज इज 20% मोर एफिशिएंट देन हरिता, फिर फिरोज और हरिता का भी गिवन है 20% मतलब 1/5 ठीक है, तो 20% ज्यादा है हरिता से, हरिता का अगर 5 है तो फिरोज का होगा 6, ये तो समझ में आ गया था, अभी जो जो रेशियो कॉमन है उसको कॉमन करो, जैसे यहाँ पे एफ कॉमन है यहाँ पे भी एफ कॉमन है, तो सेम बनाना पड़ेगा, 6 और 5 को सेम कैसे बनाएंगे, दोनों को 30 बनाना पड़ेगा ना, ठीक है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो इधर भी 6 से करो, तो ये होगा 18:30, और इसको 5 से करो तो इसको भी 5 से करो, तो ये होगा 30:25 करेक्ट, यहाँ पे आर और एच का देखो, एच यहाँ पे है 25 यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 25 यहाँ पे है 2, उसको चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे 25 यहाँ पे 2 है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इधर भी करना पड़ेगा और इधर 2 से करना पड़ेगा, इधर भी 2 से, तो ये होगा 60:50 और ये होगा आपका 75:50, अभी सेम हो गया क्या, हरिता का 50 हो गया, राहुल का 75, फिरोज का 30 और उनका 18, हो गया। अच्छा थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, तो समझ में आ गया था, ये फिरोज का सेम करना होगा क्या, कहाँ क्यों सेम करना है, फिरोज का अलग आ रहा है क्या,
हाँ यार, फिरोज का तो बैलेंस कर लिया था फिरोज का 62 किसका यार। फिरोज का चेंज करना पड़ेगा, फिरोज का चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 है ना, तो इसको भी 60 बनाना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से, तो ये 36 और ये 60 अभी भी मैच हो जाएगा। वो सब आप लोग खुद भी कर सकते हो, वो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक डाउट है ये वाला क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। और एजेस वाला, उसके पहले वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो। नहीं तो ये सॉल्व करते, ये वाला मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो, सम ऑफ द एजेस ऑफ फोर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली 5 years एगो वाज 94। टुडे व्हेन द डॉटर हैज बीन मैरिड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय डॉटर इन लॉ। अच्छा, मतलब मैरिड ऑफ, ये द ओ डबल एफ ऑफ होगा, ठीक है। मतलब जो बेटी थी वो घर छोड़ के चली गई, उसके जगह में बहू आ गया, समझा। वो सीन है, मतलब एक एक आदमी गया तो एक दूसरा है। सम ऑफ देयर एजेस इज 92। एज्यूमिंग दैट डिफरेंस इन द एजेस ऑफ डॉटर, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 5 साल पहले का सम आपको गिवन है, तो आप प्रेजेंट सम निकाल लो, प्रेजेंट सम निकाल लो, वहां से डॉटर को माइनस करो, डॉटर इन लॉ को घुसाओ और सम को 92 कर दो। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है? देखो, सम ऑफ द एजेस ऑफ फोर मेंबर्स 5 साल, 22, वही जो भी आएगा आंसर। सम ऑफ द एजेस ऑफ फोर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली 5 years एगो, 5 साल पहले सम 94 था, अभी कितना होगा सम बोलो। ये जो 4 मेंबर है उनका अभी सम कितना होगा बताओ, अगर 5 साल पहले 94 था तो अभी कितना होगा सम? 99 कैसे होगा यार, कैसे 99 होगा, सोच के बताओ। 4 लोग है ना, सबका 5 5 साल ऐड होगा ना, तो 20 साल ऐड होगा ना। हाँ, 114 होगा ना, 4 लोग है ना, तो सबका 5 5 साल ऐड होगा ना, तो 20 साल ऐड होगा, उसका मतलब 20 साल ऐड होगा, तो मतलब 94 था, अभी सम कितना है 114, ठीक है। सम कितना है 114, फिर क्या बोला, टुडे व्हेन द डॉटर हैज बीन मैरिड, अभी यहां से इस फैमिली से डॉटर माइनस हो गया एंड रिप्लेस बाय डॉटर इन लॉ, डॉटर माइनस होके डॉटर इन लॉ आ गया, ठीक है, डॉटर माइनस होके डॉटर इन लॉ आ गया, तो सम कितना हो गया 92। अभी डॉटर चला गया और डॉटर इन लॉ आ गया, तो सम रिड्यूस हो गया, तो जितना रिड्यूस हुआ वही तो गैप होगा ना। देखो, मतलब इतना शॉर्टकट छोड़ो, अभी का जो देखो यहाँ पे 4 मेंबर है, ठीक है, वो 3 मेंबर कोई भी हो सकते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा कौन है, एक डॉटर है, इनका सम कितना है 140 है, ठीक है। ये 3 मेंबर का मैं 3M लिख देता हूँ, इसका सम हमेशा 3M ही रहेगा, 3 मेंबर वो लोग कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, टुडे व्हेन द डॉटर डॉटर चला गया, मतलब 3M प्लस डी जो 114 था, ये जो 114 था यहां से डी माइनस हो गया, मतलब डॉटर चली गई, कौन आ गया, डॉटर इन लॉ आ गया। अभी कितना सम हो गया, अभी कितना सम हो गया 92। आपको क्या बताना है, आपको बताना है डॉटर इन लॉ और डॉटर का एज का गैप, डॉटर और डॉटर इन लॉ का एज का गैप, तो इससे इसको माइनस कर दो, 22 साल आ जाएगा ना। आया समझ में, अरमान समझ में है कि नहीं बताओ। नहीं आया क्या? देखो भाई, यहाँ पे इजी था सर क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, हाँ वही क्वेश्चन, थोड़ा से यहाँ पे ये वाला लाइन एक्स्ट्रा बेकार में दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करो, देन वी विल एंड द क्लास। अच्छा, नहीं तो छोड़ो क्लास, ये तो क्वेश्चन आप लोग कर लेना, तो ये क्वेश्चन, नहीं तो मैं किसी और क्लास में आपको समझा दूंगा ये, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क कर लेना, ओके सर, डाउट होने से पूछ लेना। अच्छा, और एक चीज डिस्कस करना था आपको, एक चीज बताना था कि मतलब जो इसका, मैं एक सेकेंड में क्लास पहले बंद कर देता हूँ।